ये स्वीटी है ना जी, एक दिन सबको रुला के जाएगी। दार जी, एक बहुत अच्छा होटल मिला है जी, कमरे भी खाली हैं उसमें। इस होटल की बात कर रहे हैं चाचा जी, वो फाइव स्टार होटल है, केवल दो दिन रुकवाने का खर्चा कम से कम 3 लाख से ऊपर आएगा। 3 लाख ठहरने के वास्ते बेटी के ब्याह में इतना खर्च कर देंगे? दूजी भी तो बैठी है। बेटी का ब्याह रचाना माँ बाप के लिए पुण्य का काम होता है। मैं अपने भाई के से कुछ कहने लेकर आई थी, अगर स्वीटी के ब्याह में काम आएंगे तो मैं इसे असल श्रीधन समझूंगी। सच कह रहे हैं दार जी, मैं यहां से चला जाऊं तो अच्छा है। तुम सबको छुटकारा मिल जाएगा ना मुझसे। अमृत कौर है, तू यहां क्या कर रही है? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। वाह, ऐसे कैसे? आपने कहा और मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? सुना नहीं तूने दारजी ने क्या कहा? मेरे संग होने से ही सबको परेशानी है। अच्छा है, मैं ही तुम सबसे दूर चला जाऊं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता हूँ बेटा जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताया जी? आप दारजी की बातों को इतने दिल से क्यों लगा रहे हैं? गलती शायद मेरे में ही है। हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता हूँ कि सब नाराज हो जाते हैं मुझसे, सब गड़बड़ हो जाती है। पर क्या करूं, होना हमेशा का नाला है। बस अब बस भी करिए ताया जी, प्लीज। बस तो करना चाहिए था मुझे, पर क्या करें, तेरे ताया जी हैं ही बेवकूफ। बार बार लोगों पे भरोसा कर लेता हूं। मुझे क्या पता था कि वर्मा ने गुप्ता को पैसे नहीं दिए होंगे? लोग समझते हैं कि नहीं, कोई नहीं समझता। समझेंगे ताया जी, एक दिन जरूर समझेंगे। और अब देखना, उस दिन दारजी सामने सबको गले लगा देंगे, नाश करेंगे आप पे, देखना। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा ताया जी, 100% होगा, बाय गॉड। एक तू है, लगता है दुनिया में जीने की कोई वजह है, वरना बस अब बस भी करिए ताया जी, आपको रब दा वास्ता, नहीं तो मैं भी आपके संग रो पड़ूंगी।
अच्छा दसो जी, किसका घर ढूंढ रहे हो? आज मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम मना कर सकते? अरे बेटा जी, हमारे घर में आज फंक्शन है, आओ जी आप। थैंक्स कहना बाइक के पीछे दौड़ने के लिए। इट्स ओके। और एक दिन की मोहलत भी तो दी है हमें दूसरे घर के अरेंजमेंट कराने के लिए। माय गॉड, जल्दी जल्दी। मतलब बुद्धू कमार, गलती शायद मेरे में ही है। हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता हूँ कि सब नाराज हो जाते हैं मुझसे। तो कह दो कि तुम्हें आज का आज घर खाली चाहिए। उन्होंने तुम्हें इमोशनल करके बुद्धू बना दिया है। अनुकल्प गांधी, तुम इतने बड़े इमोशनल फूल क्यों हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कल तुम्हारी पूरी फैमिली आ रही है और उनके लिए ये घर खाली कराना तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि किसी और की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो? तो फिर तुम इनकी प्रॉब्लम्स को देखकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? देखो, अब तुमने ये सबका ठेका तो लिया नहीं हुआ और जितनी मदद कर सकते थे उससे ज़्यादा मदद कर चुके हो, तो अब और क्या कर सकते हो? लेकिन मोना, दारजी और सतनाम अंकल, चलो अब ये बेकार की बातें सोचना बंद करो और याद करो कि कल बापूजी, अंबाजी और पूरा गांधी परिवार आ रहे हैं, उनके बारे में सोचो। सोचो। लो ताया जी, अब खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है मोना। खाना तो पड़ेगा बाय गॉड, आपको मेरा वास्ता है। माफ कर दे अमृत कौर, माफ कर दे। मैं नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। इधर बैठ। कुछ खाया राज रानी? गुरु, कुछ ऐसा कर दो जिससे दारजी का गुस्सा कम हो जाए। कुछ चमत्कार कर दो जी बस। बाय गॉड। श्री कृष्ण। हेलो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जी? हाँ, ये राजकोट से दिल्ली आने वाली ट्रेन टाइम पर है क्या? क्या टाइम पर है जी? नहीं, थैंक यू। हाँ, जल्दी करो अनुकल्प गांधी, आज टू लेट है और ट्रेन टाइम पर है। चाय?
सॉरी, थैंक यू। कुछ हुआ है क्या? क्या क्या हुआ जी? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। आज आप बहुत चुप चुप सी लग रही हैं। चाय पी लो, नाश्ता छोड़ के जा रही हूँ। ताई जी ने कहा है खा लेना, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। गुरुद्वारे? आज कोई खास बात है क्या? धार जी का गुस्सा सातवें आसमान में है, सुबह से ताई जी से बात तक नहीं की। सब इस घर के चक्कर में। मम्मी जी ने कहा है बर्तन लौटा देना। थैंक यू। अम्बा जी। जय श्री कृष्ण अम्बा जी। क्या अबे कमाल है, आज से पहले किसी भी ब्याह में ऐसी बदसलूकी ना देखी। ओ जी गुरनाम भाई साहब के जिम्मे था, ये सब तो होना ही था। बस चाचा जी आधे दिन की तकलीफ है, इससे भी अच्छी जगह का इंतजाम हुआ है, एसी भी है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे। और पर दूर भी तो है घर से, ये क्या बात हुई? वीर जी आप इस तरह क्यों फिक्र कर रहे हैं, गाड़ियाँ हैं ना हमारे पास, अरे आप जब बोलेंगे तब हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। भाई हमारा सामान वो भी तो कमरे में पड़ा है। वो मैं ले आऊंगा, सब आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ भाई हमें भी तुझसे कुछ कहना था, तूने हमारे लिए बड़ी दिक्कतें उठाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रब तुझे जिंदगी बख्शे। बनाया होकर भी तूने अपनों से बढ़ के काम किया। बिल्कुल नहीं दारजी, इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। नहीं, जो तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता, और फिर इसके आगे तेरी भी तो मजबूरी है, हम समझते हैं, तेरे घर वाले भी तो आने वाले हैं। नहीं दारजी, अब मेरे घर वालों का अभी अभी फोन आया था, वो लोग अगले दो चार दिन तक नहीं आ रहे। तो आप लोग यहाँ आराम से रहिए, कोई जल्दी नहीं है शिफ्ट करने की, आपकी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद आराम से शिफ्ट कर जाना। लेकिन तुझे दिक्कत होगी? नहीं दारजी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, मैं इतना सा एडजस्ट तो कर ही सकता हूँ ना। और भले ही हमें मिले हो एक दिन हुआ हो, लेकिन जितना प्यार और अपनापन आप लोगों से मिला है, क्या मैं उसके लिए इतनी सी चीज नहीं कर सकता? दारजी प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरा मन भी रख लीजिए। क्या कहूं अब, तूने तो मेरा मन हर लिया। अरे सतनाम करो ना, सामान तो ऊपर पहुंचाओ, चलो। करण एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये कल का आया हुआ लड़का अचानक इतना अपनापन क्यों जता रहा है, इतनी दरियादिली क्यों? क्या पता चाचा जी, लगता है दिल का बहुत अच्छा है, हमारी परेशानी समझकर हमारी मदद करना चाहता है। जाओ पुत्र सामान वाम लगवाओ ऊपर सबका। आपकी आधी दुआ तो कबूल हो गई, अब गुरुद्वारे जाकर क्या करेंगे? दुआ कबूल हुई है तो जाके मत्था नहीं टेकना, बाबा जी को थैंक्स नहीं करना क्या? अब मोना इतने भी नाशुकरी नहीं है। नाशुकरी तो है,
देखिए, एक शुक्रिया पे हक तो हमारा भी बनता है। आपका आधा काम बना दिया, शुक्रिया। अरे वाह, शुक्रिया कहा भी और इतना नाशुक्र होके। बाय गॉड, कहा ना 4 eggs और आधा कप मैदा। और हाँ, एग व्हाइट्स डालना, येलो वाले मत डालना, नहीं तो ना केक में स्मेल आ जाएगी। और तुझे याद है ना, चॉकलेट केक में कोको शुगर 1/3 के हिसाब का होना चाहिए। अरे हाँ, ओवन में ना, ओवन में हीट करना होगा 180 डिग्री पे, समझी? तू भूल गई? बाय गॉड, ये लड़की भी ना। अब मोना जी, एक सेकेंड श्रुति जी, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? नहीं थैंक्स, मैं बस पास में जा रही थी गुरुद्वारे तक। अब गुरुद्वारा तो यहाँ से दूर है, ऑफिस आते जाते देखा है मैंने। मैं आपको ऑटो में छोड़ देता हूँ। सच्चे दरबार जा रही हूँ मत्था टेकने, और बाबा के भक्तों को शाही सवारी की कोई जरूरत नहीं होती, समझे? हाँ श्रुति, मैं क्या कह रही थी, आइसिंग। अरे इडियट, आइसिंग गर्म केक पे नहीं करते, तू भी ना। अब भैया ये, लेकिन आपने तो कनॉट प्लेस कहा था, आप किराया रख लीजिए। अरे आपके बाकी के पैसे रख लो, रख लो। हाँ हाँ, शुगर मिक्सी में डाल और फिर मेरे को फोन करना, समझी? चल रखती हूँ, बाय। पीछे पीछे क्यों चल रहे हो जी? पीछे पीछे नहीं मोना जी, साथ साथ, साथ साथ चल रहा हूं। चलें? और वैसे भी मेरे बापूजी, मेरा मतलब कि मेरे दादाजी कहते हैं कि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना? हेलो निशा भाभी, हाय, कैसे हो आप? अच्छा, मिट्टी के दांत निकल रहे हैं, पेट में दर्द भी हो रहा है। ओफो, तो बड़ी परेशानी होती होगी। अच्छा फिकर नॉट, मेरी तरफ से मैकफस के 4-4 गोले दे देना 4-4 घंटों में। बाकी की दवाइयां मैं दादी से पूछ के आपको बताऊंगी। रम्मी दीदी, आपको अभी मेरी याद आई ना, शादी के बाद तो कौन मोना कैसी मोना, जीजू के चक्कर में तो अब मैं भूल ही गई। नहीं नहीं, इतनी महंगी दुकान में जाने की क्या जरूरत है, आप एक काम करो जनपद जाओ, वहाँ पे ना आपको नए नए फैशन की कुर्तियाँ मिलेंगी, सस्ती की सस्ती, और आपके सास को भी बुरा नहीं लगेगा। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो जी? मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ, खुश तो आपकी मोबाइल कंपनी हो रही होगी, क्योंकि आप जैसे कस्टमर्स के भरोसे तो कमाते हैं बेचारे। वैसे मोना जी, मैं सोच रहा था कि अगर ये सेलफोन इन्वेंट नहीं होता तो आप इतने सारे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करती? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं ये मोबाइल के भरोसे बैठी हूँ? अगर मेरे किसी फ्रेंड को मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मोना के दौड़ के उसके पास नहीं पहुँच जाएगी। ऑफ कोर्स, आप नहीं जाएंगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। वैसे दुनिया चलाने के लिए भी आप शायद चलकर ही जाती होंगी, क्योंकि शाही सवारी तो आपको पसंद नहीं। पे तेरा एक पाँव है।